अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स जो के कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग बायोलॉजी में मुराद ये है, अगर हम बायोलॉजी को इससे देखें, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो बायोलॉजी में कोऑर्डिनेशन जो है वो होता है अपना, बायोलॉजी में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है पार्ट्स के दरमियान। जैसे हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन का और बाकी बॉडी से जो रिलेशन होता है, जैसे आर्म्स और लेग्स, और फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें जो है, वो बहुत सारे ब्रेन से जो कनेक्टेड होता है, इस रिलेशन को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। सही। जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम है, अब ब्रेन की बात हो रही है तो फिर नर्वस सिस्टम भी पढ़ना लाजमी है। नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी का जो अपर का जितना सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है बॉडी के फंक्शंस को। सही। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब कंट्रोल करता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। सही। नर्वस सिस्टम में पहली चीज हमारे पास आ जाती है ब्रेन, दूसरी आती है स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरी आती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। सही। ब्रेन तो जो है वो मेन पार्ट होता है, सही है, जो सिग्नल्स भेजता है। सही। स्पाइनल कॉर्ड जिसके जरिए से सिग्नल जा रहा होता है, और न्यूरॉन भी यही है। क्या चीज़? न्यूरॉन। न्यूरॉन इस शेप का होता है। और इसके यहाँ से एक ब्रांच निकली होती है, इसमें न्यूक्लियस, ये न्यूरॉन होता है। और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लेंथ होती है। अब ये इतने बहुत बारीक बारीक से होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ऐसे घूमे होते हैं आगे पीछे जो है ना, ब्रेन इस टाइप का बना होता है ना। अगर मैं ब्रेन बनाऊं तो ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे ही होता है ना, इसी टाइप का होता है ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत इसमें ये घूमे होते हैं सब। यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, इतनी जो है ना, इतना इसका स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो ये मेन पार्ट होती है, इस पे ये बहुत सेंसिटिव होती है बेसिकली। इस पे अगर हल्का सा भी कुछ ज़्यादा जोर से लग जाए ना, तो ये डैमेज हो जाती है और इसकी वजह से ब्रेन ख़त्म हो जाता है। सही है। ये हो गई हमारे पास नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स पे बेस कर रहा होता है। न्यूरॉन्स कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सही है। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो मैं जो है वो बता देता हूँ। ये जो पार्ट है ये कहलाती है सेल बॉडी। सेल बॉडी। सही। ये है एक्सॉन। एक्सॉन। एक्सॉन ये न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियस। और ये है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स है। ड्राइट्स। सही है। ये डेंड्राइट है, इस पे बेस कर रहे होते हैं बेसिकली हमारा एक न्यूरॉन, और इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। सही है। बाकी जो है वो ब्रेन है, मेन जो चीज है हमारे पास वो ब्रेन है, और उसके साथ जो है स्पाइनल कॉर्ड भी है, ब्रेन स्ट्रीम भी उसमें शामिल होती है। सही है।